आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने क्यारी में क्या क्या लगा रखे हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले इस प्यारे से फ्लावर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये फ्लावर का आप जानते ही होंगे क्या है, इसका नाम है स्थल कमल। और ये जो है इसमें एक ही पेड़ में कहते हैं कि दो तीन कलर के फूल आते हैं, बट ये दो तीन कलर के फूल नहीं हैं, एक ही फूल जो है दो तीन कलर में कन्वर्ट होता है। सो ये है, एक ऊपर लगा हुआ है वाइट कलर में, देखिए, और एक ये रेड हो गया है ये। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आइए, आप सब ठीक होंगे, आप सबका यूजुअल स्वागत है। व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे खेत में यानी क्यारी में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इस टाइम पे। ठंडों की जो सब्जियां होती हैं, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि बैंगन के पौधे, ये देखिए, इसमें से काफ़ी सारे बैंगन हार्वेस्ट कर लिए गए हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं। देखिए, दिखाता हूँ आपको, अभी तो छोटे छोटे हैं, ये देखिए, ये बन रहे हैं, बड़े बड़े तो हमने हार्वेस्ट कर लिए। मैं आपको दिखाने वाला था बट समय की कमी के कारण जो है उसको शूट नहीं कर पाया और वो तोड़ लिए थे घर वालों ने, काफ़ी बड़े हो गए थे, तो सब्ज़ी भी काफ़ी बढ़िया बनी हुई इसकी। ये फूल फ्लावरिंग भी बहुत सारी हो रही है इसकी। और देखिए, कुछ कटिंग मैंने लगाई थी गेंदों की, वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, काफ़ी अच्छे खासे साइज़ में आ रहे हैं फूल। देखिए, अभी कुछ गेंदे और तैयार होने वाले हैं, उनके जो है बीज छिड़के थे तो बीज से हो रहे हैं, और यहाँ पे लगाए हैं हमने पूरे में लहसुन लगाए हैं, और लहसुन के साथ पिछले साल जो कुछ लगाया था वो सब कुछ उग गया है इसमें। देखिए, जैसे कि ये राई बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है, और राई के साथ लगे हैं ये सोया बोलते हैं, ये वाला, ये सोया, ये आलू के साथ सब्जी बनती है इसकी, काफ़ी अच्छी होती है, स्वादिष्ट। और इसी के साथ ये एक होता है, इसे बोलते हैं हालिंग, ये पहाड़ी लोग जानते हैं, पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, तो काफ़ी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनती है, अगर आपको कहीं मिले तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ बथुआ भी लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, ये सब जो है खुद ही लगे हुए हैं, केवल इसमें लहसुन ही लगाया था। ये देखिए, देसी बथुआ बहुत सारे हो रहे हैं, पूरे खेत में बथुआ बथुआ है, और कभी देखते हैं बथुआ के पराठे बनाते हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ चौलाई भी हो रही है, चौलाई दरअसल गर्मियों में होती है लेकिन अभी हो रही है ये, तो इसे भी हार्वेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ किनारों में मूली लगा दी थी, ये है मूली, अभी छोटे छोटे हैं, सो ये सब लगाया था। और यहाँ पर कुछ लगाए हैं चाइनीज़ वाले, लहसुन, ये चाइनीज़ लहसुन है, देखते हैं इसकी गांठ, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करी थी, इतना बड़ा लहसुन, तो वही वाला लहसुन है ये, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, देखते हैं यहाँ कैसे होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पॉपी के भी पौधे उग गए हैं, पॉपी के फ्लावर्स, इसकी वीडियो मैंने कई बार शेयर करी है आपसे, तो अभी जब ये पॉपी के लग जाएंगे तो फिर आपसे इनकी वीडियो शेयर करी जाएगी। ये देखिए, ये काफ़ी सारे लग जाते हैं, इसके बीज मैं कभी कलेक्ट नहीं कर पाया, बट ये खुद ही गिरते हैं और ख़ुद ही लग जाते हैं। ये देखिए, ये है गर्मी वाला बथुआ, इस तरीके का बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका। अब आपसे बाकी चीज़ शेयर करता हूँ, यहाँ पर राई हो रही है,
और राई के साथ ही थोड़ी सी सरसों छिड़क दी थी, तो सरसों भी लग गई है। ये रही सरसों यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही है ये। और साथ ही साथ ये जो मेड़ थी, मेड़ पे हमने लगा दी है। ये बाकुला है और मूली, बाकुला और मूली लगा दी है। ये लगभग सभी बीज जो हैं इसके जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे लगाया है मेथी, मेथी भी जर्मिनेट हो गई है। इस पूरे मेथी लगाई है। और यहाँ पे थोड़े से ब्रोकली के सीड्स छिड़क दिए थे। आई थिंक ये ब्रोकली ही उग रही है, जो छोटी छोटी ये लग रही है। हाँ, ये ब्रोकली ही है, तो ब्रोकली भी जर्मिनेट हो चुकी है। और साथ ही साथ ये देखिए, एक सीड ऊपर आ गया है। ये उसका क्या कहते हैं, बाकुला का, तो इसको मैं थोड़ा सा ढक देता हूँ। ये ढक दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगा दी है यहाँ पे पापा ने। इस ड्रैगन फ्रूट को 4-5 साल हो गए हैं, बट इसमें अभी तक फ्रूट नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि इसकी केयर कैसे करें और किस तरीके से जल्दी से इसमें फ्रूटिंग आ सके। और यहाँ पर थोड़े से छोटे छोटे वाले वो टमाटर के पौधे हो रखे हैं, जिसको कि मैंने बीज से लगाया है। आपसे शेयर भी करा था मैंने छोटे छोटे टमाटर की वीडियो, जिसको कि चिली टमाटो कह रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, तो इनको भी सही तरीके से प्रोपोगेट करना है। और यहाँ पर काफ़ी सारे सीड डाल दिए थे उसके गेंदे के, जाफरी वाले, सो वो भी उग गए हैं। अभी पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे जाफरी वाले गेंदे लग रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पर मैंने मरवा तुलसी की कटिंग लगाई है, दो लगाई थी। देखते हैं जर्मिनेट होता है नहीं होता है। यहाँ पर भी ये लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने डाला था चुकंदर के सीड डाले थे यहाँ पे, तो वो भी कुछ कुछ जर्मिनेट हो गए हैं। सारे तो नहीं हुए अभी, सो टाइम लगेगा शायद इनको भी। और यहाँ पर प्याज की कटिंग लगाई थी, प्याज के जो रूट होती है उसको काट के, जड़ वाला साइड, तो उनकी जो है एक बार हार्वेस्ट कर ली है मैंने, ये देखिए। अब दोबारा से इसमें पत्ते आएंगे तो उन्हें भी हार्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर राई के सीड डाले थे बहुत सारे, तो जर्मिनेट हो गए हैं, इनको लगाना है। अभी तो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट हैं, काफ़ी घने लग गए हैं, तो काफ़ी धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पानी गिर गया होगा तो ये इस तरीके से हो गए हैं। यहाँ पर इस वाले में धनिया लगाई हुई है, धनिया भी ग्रो हो चुकी है। धनिया को काफ़ी टाइम लगता है बढ़ने में। और यहाँ पर एक पहाड़ी करेला लग रहा है, राम करेला जिसे कहते हैं, बट ये ज़्यादा तो अच्छा होगा नहीं, यहाँ पे एक आध तो लग ही जाएंगे इसमें। और ये पालक है, जिसकी वीडियो शेयर करी थी आपसे। और ये है मालाबार पालक, इसकी वीडियो शेयर करी थी आपसे मैंने। सो भी बस आज के लिए बस इतना ही। दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है, बट समय की वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए व्लॉग में।
तब तक के लिए अपना अपने घरों का ख्याल रखें, प्रबंधों का ख्याल रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और कोई जानकारी देनी हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और व्यूअर्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी शेयर करी हैं आपसे, तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ। सो व्यूअर्स, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपना घरों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।